आवाज उठाइए, काम जरूर होगा। नमस्कार, प्रणाम, आप देख पा रहे हैं न्यूज पॉइंट 24। मैं सोनू कुमार गुप्ता, कुशीनगर। विगत दिनों पहले हमने आपको एक पुल दिखाया था जो महीनों दिनों से क्षतिग्रस्त हो गया था, जिसपे आए दिन जो है घटनाएं घट रही थी, आए दिन जो है दुर्घटनाएं हो रही थी। कभी ट्रैक्टर गिर जाता था तो कभी जो है मोटरसाइकिल वाले गिर जाते थे। और ये झरई नदी है, झरई नदी बना, ये बरसों पुराना ये पुल है। लेकिन इस रूट से जो है हमेशा जनप्रतिनिधि अधिकारी भी आते जाते रहते थे, लेकिन इन पे किसी का भी ध्यान नहीं होता था, जिसके वजह से जो है ये पुल जो है क्षतिग्रस्त होने के बाद से जो है काफी महीनों से जो है यहाँ पे पड़ा हुआ था। आज यहाँ के जो ग्राम प्रधान है खाड़ीभर के, जो जयप्रकाश यादव जी, उनके द्वारा आप देख सकते हैं पुल का जो है बाउंड्री कराया गया। तो आइए उनसे हम जानते हैं कि किस किस में लापरवाही मानते हैं, जिनकी जिम्मेदारी है पुल को रिपेयरिंग समय समय पर करते रहना चाहिए, वो जो है इस पे ध्यान नहीं दिए। तो हम सीधे तौर पे जो इस गांव के जो प्रधान है उन्हीं से हम जानने की कोशिश करते हैं। न्यूज पॉइंट 24 में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। महीनों दिनों से जो ये झरई नदी बना ये पुल है क्षतिग्रस्त हो गया था, आपके द्वारा देखा जा रहा है ये पुल का जो है रिपेयरिंग कराया गया है। जी, असल में यहाँ ये लगभग 2 महीने से टूट गया था। एक तरफ ट्रैक्टर ट्राली वाले ने तोड़ दिया, एक तरफ ट्रक वाले ने तोड़ दिया, तो लगभग 3-4 महीना हो गया इसको टूटे हुए। और तमाम विभाग के लोग इधर से ही आते जाते हैं, किसी का ध्यान नहीं जाता है। और रात में हम लोग जब आते हैं, चाहे और पब्लिक आती है, गाड़ी घोड़ा आ रहा है, तो इतना डर लगता है। और उसी डर से मैंने कहा कि इसको हम काम करवा दे रहे हैं। तो हमने तब तक, जब तक विभाग नहीं बनवा रहा है तब तक हमने इसको अपने पास से इसको 5 इंच की दीवार चढ़वा के, ताकि लोगों को दिखाई दे कि हाँ पुलिया है, इसी नियत से हमने बनवाया इसको। ये विभाग की जिम्मेदारी है कि जो पुल क्षतिग्रस्त हुआ है तो उसे जो है रिपेयरिंग किया जाए, लेकिन वो महीनों दिन बीत जाने के बाद से भी जो है उनका ध्यान इस पे नहीं जाता है, जिसकी वजह से जो देखा जाता था कि आए दिन जो है यहाँ पे दुर्घटनाएं घट। ये तो विभाग की जिम्मेदारी है कि पुलिया टूट गया तो उसको तत्काल मरम्मत करावा। ये इतने मोड़ पे है ये कि प्रत्येक दिन, अभी 5-7 दिन पहले एक मोटरसाइकिल वाला पुल से नीचे गिर गया था। एक पशुपालक गाय अपनी लेके जा रहा था, तो उसकी गाय भागी गाड़ी देखकर, तो पशुपालक नीचे साइकिल सहित गिर गया था। तो किसी तरह उसको इलाज वलाज करवाया गया, लेकिन क्या करें, विभाग नहीं सुन रहा, क्योंकि जनप्रतिनिधि भी जो है देखा जाता है कि हमेशा इसी रूट से जो है आते जाते रहते हैं, लेकिन उनका भी ध्यान इस पे। लेकिन जहां तक मुझे सूचना मिली है कि ये पुलिया पास हो चुका है और जल्दी ही इसका निर्माण शुरू होने वाला है, तो एहतियात के तौर पर हमने इसको बनवा दिया है। और भी बनवाने के बाद भी देखिए, कल शाम को हमने बनवाया और रात में फिर कोई इसको तोड़ दिया, या जबरदस्ती तोड़ा या ठोकर मार के तोड़ा है, अब ये तो हम नहीं बता सकते हैं इसके बारे में। अच्छा, रात मतलब कल बना भी और रात में जो है किसी के द्वारा? हाँ, किसी के द्वारा इसको तोड़ भी दिया गया है। अभी कौन तोड़ा है मान ली, हम लोग तो जानते नहीं है कौन तोड़ा है। जैसा कि इस गाँव के जो प्रधान जी है उनके द्वारा ये पुलिया जो है रिपेयरिंग करा दिया गया है। फिलहाल मैं बता दें कि ये पुल, जैसा कि इस गांव के जो प्रधान जी है उनके द्वारा बताया गया कि ये पुल जो है पास हो गया है और जल्द ही जो है इस पे एक नया पुल बनेगा, जिससे आने जाने वाले जो राहगीर होंगे उन्हें जो है एक तरह से सुविधा मिले। क्योंकि बता दें कि गुरुवलिया से होकर दुधही जाने वाला ये मेन मार्ग है, अब जो है ये रिपेयरिंग हो जाने के बाद से जो है अब यहाँ के जो लोग हैं उन्हें आने जाने में जो है काफी राहत मिलेगा। देखते रहिए आप न्यूज पॉइंट 24। मैं सोनू कुमार गुप्ता, कुशीनगर। हेलो।